जिला प्रशासन ने भले ही नरवाई जलाने को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हो, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा। प्रशासन ने प्रदूषण और आगजनी की घटनाएं रोकने के लिए गेहूं कटाई से पूर्व सख्त आदेश जारी किए थे। आदेश के तहत नरवाई जलाने पर प्रतिबंध के साथ ही दंड का प्रावधान रखा था। इसके बाद भी इस आदेश का न तो किसानों ने पालन किया और न ही प्रशासन स्तर से कोई ठोस कार्रवाई की गई। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 20 दिन मनासा ब्लॉक में करीब 40% से ज्यादा क्षेत्र में नरवाई जलाई जा चुकी है। रात भर खेत आग से धधकते रहते हैं और धुएं से आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है। हर साल अप्रैल मई माह में गेहूं कटाई के बाद किसान नरवाई में आग लगा देते हैं। इससे न सिर्फ प्रदूषण फैलता है बल्कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही आगजनी से ग्रामीण को काफी नुकसान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 2 सालों से प्रशासन ने नरवाई में आग लगाना प्रतिबंधित कर रखा है। इसके साथ संबंधित किसान के खिलाफ FIR का प्रावधान भी रखा गया है। प्रशासन का आदेश मर्ज दिखावा ही होता है, इस पर कोई एक्शन नहीं होता। इस बार भी मार्च माह में कलेक्टर ने आदेश जारी कर नरवाई में आग लगाने पर रोक लगा दी थी, बावजूद इसके किसान धरले से नरवाई में आग लगा रहे हैं। ऐसा ही आज किसान दिनेश पिता रामेश्वर राठौर मनासा अखीपुर रोड पर नरवाई जलाई गई। पास में गेहूं की फसल खड़ी थी। श्री दिनेश राठौर द्वारा सूचना देने पर मनासा फायर ब्रिगेड ने तत्काल मौके पर जाकर आग पर काबू पाया और आसपास कोई नुकसान नहीं बताया जा रहा है। नगरीय निकायों को नुकसान, किसान नरवाई में आग लगाने के बाद स्वयं को कार्रवाई से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड को सूचना कर देते हैं, जिसे नगरीय निकायों को मजबूरी में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भेजना पड़ती है। इससे न सिर्फ पानी की बर्बादी होती है बल्कि डीजल भी खर्च हो रहा है।